कितना 35-40 साल हो गए। ओके, तो अब आप उनकी कौन सी पीढ़ी हैं? सेकंड पीढ़ी हैं। तो साथियों, सेकंड पीढ़ी हैं जो ये कचौड़ी जो यहाँ पे बेच रहे हैं। साथियों, स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज आ गया हूँ मैं चिराग दिल्ली, और चिराग दिल्ली बाबूलाल कचौड़ी भंडार के पास। मुझे किसी ने बताया भी था कि आपने अभी तक इनकी कचौड़ी की कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, और ये कचौड़ी भंडार, ये बाबूलाल जी कचौड़ी भंडार, ये यहाँ पे बहुत फेमस है आसपास। और मैं आपको इनसे मिलवाता भी हूँ, और इनको करीब करीब यहाँ पे अपनी ये दुकान लगाते लगाते इसी जगह पे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब जो यहाँ पे अब इसको जो संभाल रहे हैं, ये इनकी सेकंड पीढ़ी है जो अब संभाल रहे हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे कचौड़ी लेने वालों की लाइन इतनी रहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई आता ही रहता है, इनको फुर्सत नहीं मिलती है। और जितना बड़ा पतीला है ना, उसके साइज़ को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी कचौड़ियाँ पूरे दिन में चली निकल जाती होंगी। और ये पतीला जो है इनका, ये जो पतीला है ये इनका पूरा फुल भरा हुआ था, और फुल भरा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पे कचौड़ी कब से खाने आ रहे हैं? मैं 92 से हूँ, अपना श्रीनिवासपुरी से। हाँ हाँ, यहाँ पर मेरा नानका है। अच्छा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ। तो आप खा के जाते हो, और आप कब से खा रहे हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, आप इनके बेटे हैं, तो आपको भी ये स्वाद अच्छा लगने लगा? बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, क्या कह रहे हो आप? बचपन से आ रहे हैं, बूढ़े हो गए। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। स्वाद नहीं छूटा लेकिन अभी? स्वाद क्या छूटेगा जी। अच्छा, स्वाद अच्छा लगता है जब तक जिंदगी का स्वाद रहेगा। जब तक जिंदगी है जब तक स्वाद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूलाल की कचौड़ी में से याद रहेगी। क्या कह रहे हैं? बाबूलाल जी की कचौड़ी में से याद रहेगी। अच्छा अच्छा, ओके। ये देखिए साथियों, ये है बाबूलाल कचौड़ी भंडार। ये फ्रंट लुक है इनका, और यहाँ पे इन्हें ये बेचते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और ये है उनकी दूसरी पीढ़ी जो अब कचौड़ी बेच रही है, और आज भी ये वही स्वाद है जो आज से बहुत पहले हुआ करता था। मैं भी जब कभी यहाँ पे छोटा था तो मैं भी आता था, और बीच बीच में भी मैं कभी आता हूँ यहाँ पे, और ये कचौड़ी खा के जाता हूँ। लेकिन ब्लॉग के लिए मैं आज फर्स्ट टाइम आपके सामने लेके आया हूँ, ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ आपसे। ये देखिए साथियों, ये इनका पतीला है, भगोना, जिसके अंदर ये बनाते हैं, और ये बहुत बड़ा है। ये देखिए बहुत बड़ा है, और ये देखिए साथियों, ये इनकी कचौड़ी अभी बन रही है, और ये कढ़ाई में है। और ये देखिए एक साथ कितनी बड़ी क्वांटिटी में ये कचौड़ी तली जा रही है। और इनको यहाँ पे ये तलते हुए कचौड़ियाँ 40 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए साथियों, ये है इनकी सब्जी जो इसमें गर्मा गर्म तैयार होती रहती है, और ये गर्मा गर्म ही सर्व की जाती है यहाँ पे। और ये है इसके साथ, ये चटनी किस चीज़ की होती है? चटनी होती है भैया, मसाले हैं ये। मसाले हैं? हाँ, सूखे मसाले होते हैं। ओके, पानी में डाल के बनाते हैं। ओके, ये सूखे मसाले होते हैं, और कुछ सीक्रेट मसाले भी होते हैं जो सबका अपना अपना तरीका है तैयार करने का, तो वही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण है। इनका नाम तरुण है, और अब आप ही संभालते हैं? हाँ जी, काम हमारे फादर ने शुरू किया था, बाबूलाल जी ने। हाँ जी, श्री बाबूलाल जी हमारे फादर हैं, उन्होंने काम शुरू किया था ये। अच्छा, ये काम करते हैं कम से कम 45-40 साल हो गए। ओके, और अब आप ही संभाल रहे हैं सर? हाँ जी, ये हमारी आलू की सब्जी होती है, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, इसके अंदर लहसुन प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए देखिए साथियों, जिनको लहसुन प्याज से परहेज है उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, और ये बता भी रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये देखिए साथियों, पीछे लोई तैयार होती रहती है, और ये यहाँ पे कढ़ाई में ये सिकती रहती है, तलती रहती हैं ये कचौड़ियाँ। ये देखिए अब इनमें रंग आने लगा है, पहले उन्होंने डाली हुई थी और अब इनमें रंग आने लगा है। और ये देखिए, ये है इनकी लोई जो ये तैयार हो रही है। तो हमारी ये शॉप कब से और कब तक खुली रहती है? भैया मॉर्निंग में सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है काम। अच्छा, और शाम को 7 से 8 बजे तक होते हैं यहाँ। 7 से 8 बजे तक खुली रहती है? हाँ, बाकी संडे को शाम को 5 बजे तक होती है।
संडे की शाम को 5 बजे तक। और कोई छुट्टी? कोई नहीं, छुट्टी कोई नहीं, छुट्टी साथियों कोई नहीं होती है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जो कचौड़ी की कीमत है, कचौड़ी की कीमत भी है सर, कचौड़ी 40 रुपये प्लेट है, उसको दो पीस आते हैं, दो पीस आते हैं। और अगर कोई सिंगल लेना चाहे तो सिंगल सर 25 का आता है, 25 का। और पैकिंग भी हो जाती है सर? हाँ, पैकिंग कितने का है? सेम रेट है, पैकिंग भी सेम ही रेट है। आप यहाँ से पैक करा के भी ले जा सकते हैं, और आप खाने भी आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए बस। सर ये चिराग दिल्ली चौक है। हाँ हाँ, और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के पास है। पास है। तो साथियों ये है बाबूलाल जी की कचौड़ी का एड्रेस, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। आपको घुसते ही चिराग दिल्ली के अंदर घुसते ही रोड पे फर्स्ट शॉप ही इनकी दिखाई देगी, तो आप कभी यहाँ पे आइए और इनकी कचौड़ी का स्वाद लीजिए। वाकई मैंने जब कचौड़ी खाई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जबकि मैंने खाना खाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैंने जब ये खाई है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत टेस्टी है। आप भी कभी इसके टेस्ट का आनंद लीजिए और यहाँ पे आइए। साथियों जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उन्हें दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।